इन दिनों शिमला में कुछ जगहों पर लोगों को पीने के पानी की समस्या पेश आ रही है। पानी ना मिलने की वजह से लोग काफी परेशान हैं। वहीं इस बारे में नगर निगम शिमला के अभियंता MA शेख का कहना है कि वोल्टेज कम होने की वजह से पानी की सही से पंपिंग नहीं हो पा रही है, जिस वजह से शहर में कई जगह पर पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक वोल्टेज की समस्या रहती है, पानी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कुछ पिछले कुछ दिनों से जैसा आपको मालूम है, वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है। वोल्टेज इसलिए फ्लक्चुएट कर रही है क्योंकि आजकल बिजली की प्रोडक्शन कम हो रही है, और बिजली की प्रोडक्शन कम होने की वजह से क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक सप्लाई भी करनी है, और पीक आवर्स में क्या होता है, सुबह सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक वोल्टेज काफ़ी लेस रहती है, जिससे हमारे प्रॉपर पंपिंग नहीं हो पाती। एक तो ये कारण है कि पिछले 3-4 दिन से पानी कम हो रहा है, बीच बीच में हमें कई कई जगह कट लगाना पड़ रहा है, और जब तक वोल्टेज में सुधार नहीं होगा, बिजली में सुधार नहीं होगा, तब तक ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा रहे। कब तक लोगों को उम्मीद रहेगी प्रॉपर पानी आने की? देखिए, हम तो आज भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आज प्रॉपर हो जाएगा, आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे। लेकिन अगर वोल्टेज में ही प्रॉब्लम रही, पीक आवर्स में कट वगैरह लगते हैं, पीक आवर में वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है, तो प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली कुछ दिन और रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।